छोटे से अनुभव में हम सभी, मैं अपने बारे में भी कह सकता हूं कि प्रत्येक दिन उस भावना के साथ अपना दिन शुरू करना चाहता हूं, करता हूं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि मुझे ऐसे मौके दे, ऐसी अपॉर्चुनिटी दे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूं, इस देश को सर्व कर सकूं और देश को मजबूत बना सकूं। तो भारत के नागरिक को, त्रिपुरा के नागरिकों को, यहाँ के युवा को, सबको मैं आह्वान करता हूँ कि अपने सेल्फ से ऊपर हमेशा अपने देश को रखें। पैट्रियटिज्म की भावना, नेशनलिज्म की भावना से ओत प्रोत रहें, पढ़ें। जब तक आप स्वामी जी की जीवनी और उनके ऊपर जो सारे संग्रह हैं उनको पढ़ेंगे और उनके आदर्शों और जीवनी के आधार पर, जैसा स्वामी जी ने कहा कि ऐसा कोई फ्रीडम फाइटर नहीं होगा जो उनके आदर्शों पे और उनके कहे हुए रास्ते पे अपने मानसिक रूप पे अपने आप को मजबूत करके और आज़ादी की लड़ाई में नहीं शामिल हुआ हो, चाहे वो नेताजी हों, चाहे महात्मा गांधी हों। सब कोई के जीवन में, हमारे बंगाल के कई रिवोल्यूशनरी जो हैं, सब के जीवन में आप पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी छाप रही है और सोच रहा है। तो वही आज के भारतवर्ष में भी इसकी आवश्यकता है और हमें अपने देश, हमें अपने सभ्यता, अपने रिलीजन, अपने सेकुलर स्ट्रक्चर, पूरे भारतवर्ष का जो है, जहाँ सब धर्म एक साथ रहते हैं, इसके ऊपर में हमें गर्व होना चाहिए। मुझे याद है हमारे स्कूल में हमेशा ये वाक्य किसी भी समारोह में स्वामी जी का, श्री श्री रामकृष्ण जी का कहा जाता था कि जो तो मौत तो पौत, बट द डेस्टिनेशन इज कॉमन। तो अपने अपने मन में अपने अपने तरीके से लोग रास्ता अपना तय करते हैं, लेकिन जो गोल है, जो अल्टीमेट गोल है, वो कॉमन रहता है, ईश्वर की प्राप्ति करना। और उसका रास्ता स्वामी जी ने जो बताया कि सबकी सेवा करके है, आपको अपने ध्यान पूजा में करके अपना मोक्ष प्राप्त करने से देश का भला नहीं होगा। देश को जरूरत है आपकी, और आप जहाँ भी हैं सबकी सेवा करें, जो भी आपके आपसे बन पड़ सकता है। इस पे बहुत सारा उनका लिटरेचर और कहा हुआ है, जो कि जो लोग उनके जीवन से परिचित हैं वो जानते होंगे। वो अपने साथी सन्यासी गंजी लोग से अक्सर उनके साथ ये विवाद हो जाता था कि वो बाकी लोग मंदिर में जाके बैठ के पूजा पाठ में ज़्यादा सोचते थे कि यही एक साल